गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे स्टडी में। देखिए, हम लोग इसमें करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर टू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, लगभग 600 प्लस एमसीक्यू होने वाले हैं सभी मिलाकर। ठीक है, देखिए, लास्ट टाइम में ऐसे रिवीजन जरूरी होता है ताकि पूरे के पूरे आप लोगों का 1 ईयर करंट अफेयर हो जाए। इसका जो है हिंदी PDF ही मिलेगा आप लोगों को, और जो लोग इंग्लिश वाले हैं प्लीज़ सुनकर ही काम चला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय अब नहीं है, क्योंकि मैं ट्रांसलेट करूँगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आप लोगों को अभी PDF भी देना है, 3 और देना है अभी मॉडल पेपर। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य कृषि कानून को न लागू करने खारिज वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन बन गया? पर पंजाब। आप लोग जानते होंगे इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है किसान भाइयों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने COVID-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोसिस किट विकसित किया गया? थोड़ा जो है आपके IIT खड़गपुर। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया है? तो नोकिया का किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बहुत तेज़ चलेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय न लिया जाए वीडियो में। हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र राज्य है, जो सीमित मात्रा में, जिस सीमित आपका जो मुद्रा है उसमें आपको मास्क दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह वेनु, क्या है वेनु, ध्यान दीजिएगा, वेनु से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? आपका हो जाएगा ओसिरिस रीएक्स, क्या REX। ठीक है, ओसिरिस REX। अच्छा, आगे देखेंगे IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आप लोग जो लोग IPL से संबंधित होंगे ये जानते होंगे आप लोग कौन थे, शिखर धवन थे। ठीक है, किसके खिलाफ खिलाफ मारे थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जो लोग IPL प्रेमी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, चलिए भरसक प्रयास करेंगे हम लोग, इसमें लगभग पूरा समाप्त कर दिया जाए, नहीं भी हो पाएगा तो आधा से ज़्यादा जरूर समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने % बढ़ा दी है? तो 10% बढ़ा दी है। कितने? 10%। आगे देखेंगे हम लोग कि हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोमी ओकुहारा। ठीक, अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास साइलेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है? तो आप लोग बिना इसके ऑप्शन का भी बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जब मिलेगा तो आप लोग बता सकते हैं क्या है ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऐश्वर्या धीरज, ऐश्वर्या श्रीधर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को। याद रखे रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 2019-2020 की चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई? तो कौन है? मोहन बगान। ठीक है, अच्छा, अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसके अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस मदन वी लोकुर। की नेक्स्ट है कि संगीत समारोह आपको हो जाएगा जशन ए हरुद का उद्घाटन कहा हुआ? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी जब बन गया है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया था? आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। अच्छा, हाल ही में कौन सा यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं? विशाल वी वर्मा। आगे है कि लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की गई है कि हो गई? तो आपको हो जाएगा 70.8 ईयर। ठीक है, 70.8 साल।
हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान में? 94वां, 94th। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं यहाँ पे कि हाल ही में कौन सा हाफ मैराथन चैंपियनशिप ग्री ग्री निया क्रीडिया आपका 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ब्रिगिड कोसगेल। कौन? ब्रिगिड कोसगेल है। अच्छा आगे चलते हैं, गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस प्रसिद्ध गायिका का हाल ही में निधन हो गया? तो कौमुदी मुंशी। कौन? कौमुदी मुंशी, याद रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस की तिथि को मनाया गया, किस तिथि को मनाया गया? तो आपको आ जाएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर, देखिए रिजल्ट आपका जो जो लैब टेक्नीशियन का हुआ था, इसके पहले पेपर 18 तारीख को BIS लैब टेक्नीशियन का, अभी देखिए रिजल्ट आया है कल परसों का। ठीक है, ये भी जब भी रिजल्ट आएगा बहुत तेज कराएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आएगा इसका BIS का, तो आप लोग तैयारी में भरपूर जुट जाइए क्योंकि बहुत ही लाजवाब जॉब भी है और बहुत ही लाजवाब अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास। इवन आपका सही है, मानते हैं कि सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, बट यदि आप मेहनत करते हैं तो 100% आप सेलेक्ट होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे थे हम लोग। 161 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी बार्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च की? तो हो जाएगा मानसी जोशी। कौन? मानसी जोशी हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको हो जाएगा विशाल वी शर्मा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो 7, 7। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की गई? कहाँ पे? उड़ीसा में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल ओवन रेशनल आपका रेजिलियंस इन द वेक ऑफ COVID-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको हो जाएगा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या था आपका, बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेसिलियंस इन दी वेकअप COVID-19 को 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, मनाया गया था। अच्छा आगे क्या है क्वेश्चन कि किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा? ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंधुवीर पनडुब्बी किसके पास, तो कहाँ की है, तो ये अपना भारत का है, किसे देगा आपका? म्यांमार का, म्यांमार को देगा। ठीक है, सहयोग बढ़ाने के लिए। अच्छा आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस को, तो कह रहा है कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? आपका हो जाएगा किसने जीता, बैंक ऑफ घाना ने जीता था। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? आप लोग जानते होंगे 33%, 1/3 मीन्स 33% दी जाती है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 33%। अगला है क्वेश्चन कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 10.3%, कितने? 10.3% का अनुमान लगाया है। ठीक है, आगे कि हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाल दिया? तो ग्रे लिस्ट में, क्या? ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया, किसे? भारत को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचफू सुरंग की आधारशिला रखी है? ध्यान दीजिएगा, सुरंग उरंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ पे? नेचफू सुरंग। ठीक, बहुत ज़्यादा, कौन किया है आपका उद्घाटन? तो जाएगा आपका मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहाँ पे किए हैं? अच्छा ये देख लीजिए, नेचफू सुरंग, कौन सा? नेचफू सुरंग किस राज्य में? तो आपको हो जाएगा 172 का, 172 का आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे देख लीजिए, नेचुफू सुरंग, कौन सा? नेचुफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, नेचुफू। ठीक,
कौन किए थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? ध्यान दीजिए, कौन है? शोएब मलिक। 10,000 रन बनाने वाले, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शोएब मलिक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता? कितने जीता था? तो जाएगा लॉस एंजल्स लेकर्स। नेक्स्ट है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 ने 20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको जाएगा साई एरवा से, साई एरवा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एक दिन के लिए फिनलैंड को प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो एवा मोल्टो। कौन? एवा मोल्टो। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है क्योंकि अभी हाल ही में कोई एग्जाम था तो उसी में पूछा था यह क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। नेक्स्ट है कि ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129th, ठीक है, मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल वैसे भी आगे रहता है इन सब में। नेक्स्ट है कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो किन दो देशों के बीच विवाद है? तो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। क्वेश्चन है कि पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2020 पुरुष एकल, ध्यान दीजिए, फ्रेंच में राफेल नडाल, ठीक है। फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल वाला, महिला सिंगल, पुरुष सिंगल, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पूछता है कई बार। हो जाएगा एफिल ग्रांफी 2020 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन। किसने? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की। कौन सा? आंध्र प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे कौन सा दिवस मनाएगा? हो जाएगा आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो जाएगा आपका उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो मिंटी अग्रवाल। कौन? मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है कि वह 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसने, नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया? किसे चयनित किया गया? तो हो जाएगा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया? कौन? इमैनुअल चार्पियर एवं जेनिफर ए डोडोना। क्या? डोडोना। किसके लिए चुना गया था? रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए 2020 का, ईमेल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अक्सर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको जाएगा क्लेयर कोनोर। कौन? क्लेयर कोनोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको जाएगा गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जगह विराट कोहली, ठीक। आगे है कि हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो चेतन आनंद को। किसे? चेतन आनंद को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को GI टैग मिला है? तो आपको जाएगा सिक्किम। किसमें? सिक्किम को। नेक्स्ट है कि
2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? किसका चयन किया गया? तो आपको जगह लुइस ग्लूक। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 196 कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपको जगह पुदुचेरी हवाई अड्डा। कौन सा? पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ आपका हो जाएगा गुजरात को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? तो आपका हो जाएगा कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो उपर्युक्त तीनों किसे? चार्ल्स ए राइस, हार्वे जे अल्टर और माइकल हुटन। कौन? माइकल हुटन। सभी लोगों को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार में 99.913 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? आपका तो हो जाएगा 5। ठीक है, कितने राज्यों को? 5 राज्यों को। नेक्स्ट है कौन कौन सा राज्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो आपको हो जाएगा 14। कितने? 14 का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई? तो आपको हो जाएगा शुरू की जा रही है, तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष कितने वर्ष कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? किसकी? आपको हो जाएगा मालदीव की। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTTI सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? कौन बने नए अध्यक्ष आपके? यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत में COVID-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? कितने? तो हो जाएगा 25 करोड़ डॉलर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा सोनू सूद। कौन? सोनू सूद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से बचने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? हो जाएगा 7 लाख। कितने? 7 लाख। ठीक है, आगे देखेंगे कि प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो हो जाएगा सेंट जेरोम। कौन? सेंट जेरोम। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को जनता के लिए जारी कर दिया है? इसे हो जाएगा रूस। याद रखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तब को जगह सुनील सेठी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तब का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि 2020 का दिया नहीं है इसीलिए 19 को बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो उषा मंगेशकर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तब को जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है? तब को जाएगा असम। ठीक, नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 ने 20 में जीएसटी का कितना संग्रह किया? अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया आपका वित्त मंत्रालय? तो हो जाएगा 2018
तो कितना दिया गया आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 86449 करोड़ रुपये। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ट्राई की से कहते हैं कि नए चेयरमैन बने हैं, कौन है, PD बाघेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, आपको हो जाएगा बेल्जियम ग्रांड प्री। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तब हो जाएगा 29 दिसंबर, 29 सितंबर को मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि AIFF अवार्ड 2020 के किसे विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, तब को जाएगा संजू यादव। ठीक है, संजू यादव की कहाँ घर है ये हम आप लोग बताइए, कहाँ की होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि किस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरांग परनविताना, निशात थरांग परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तब ये है श्रीलंका। नेक्स्ट है कि AIFF अवार्ड 2020 में किसे मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया, तब को जगह देखिए उसमें विमेंस था संजू यादव और इसमें क्या है गुरप्रीत सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो बताइए आप लोग, तो यहाँ पर जाएगा 29 अगस्त। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया, तब हो जाएगा एमी कोनी बेरेट। एमी कोनी बेरेट। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कॉर्पेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है, किसने, आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे, आपको हो जाएगा हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या है यहाँ पे, हो जाएगा नीतू डेविड को, किसे, नीतू डेविड को। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है, मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है कि प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस, ये कुत्ते काटने जो रोग होता है, क्या रेबीज दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, तो क्या हो जाएगा HDFC ने, किसने, HDFC ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है, तो हो जाएगा वाल्टेरी बोटास, किसने, वाल्टेरी बोटास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है, तो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तब हो जाएगा 27 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं, तब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष बेटी दिवस डॉटर्स डे कब मनाया जाता है, तो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, कब, सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, याद रखे रहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना योजना का मैंने लिस्ट आपको दिया है, एक बार फिर देख लीजिए इसको भी, असम में, कहाँ पे, असम में। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, प्रतिवर्ष रात भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है, तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया, कौन, यू राइस पोर्टल, किस नाम का जगह, किस राज्य की सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में NSE के DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया आपका, तो हो जाएगा SS देवसाल, कौन, SS देवसाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है, तो कौन सा, उड़ीसा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने
गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूनी ATF पुरस्कार 2020 जीता है, तो हो जाएगा आपका केरल। केरल ने जीता है। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया था? हो जाएगा कौन? फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? जगह पर सोनू सूद। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -11%। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह थे कौन? थे वह गायक थे, ध्यान दीजिएगा, बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में RBI की ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो वह जगह राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 1,000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना का स्थापित किया गया है? जहाँ पे आपको जगह वडोदरा में, कहाँ पे? वडोदरा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में मोक्टर ओवने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो आपका जगह माली। याद रखे रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो जगह किस राज्य में हाल ही में भारत पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया? तो हो जाएगा बिहार में आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जाएगा महाराष्ट्र। राज्य सरकार ने किया है ऐसा। और हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की सबसे 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लोगों में भारतीय जगह बनाए कौन? 5 भारतीय जो है टॉप 100 में स्थान बनाने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? तब हो जाएगा राजनाथ सिंह। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हुआ है? तब हो जाएगा COVID-19। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है आपका, पूछ सकता है। ठीक है, अभी किसी ने नहीं पूछा है, पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड अम्बेसडर कौन बनी है? तो देखा दिशा पाटनी। पर दिशा पाटनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अभिनेता थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हाल ही में NCERT ने वित्त वर्ष 2021 में भारत GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? तो जाएगा -12.6%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस NSS कब मनाया था? तो जाएगा 24 सितंबर को। हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो जाएगा ऊपर दोनों, गुरमीत सिंह संधू और मडफील्डर संजू। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? आपका जगह खुशी चिंदालिया को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? ठीक है, क्या है? उड़ीसा में आपका उड़ीसा ने ऐसे किया, बाय रोड प्लान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तब हो जाएगा 23 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तब हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यकाल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तब हो जाएगा गिरजा शंकर मुंगाली। नेक्स्ट है कि भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तब हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड रिब डे कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 22 सितंबर को। ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया, तो गया 75वें सत्र को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 21 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन किताब किसने जीता, आपको हो जाएगा 274 नंबर आंसर हो जाएगा सी, सिमोना हालेप ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2020 का मेन्स सिंगल इटालियन ओपन किताब किसने जीता, मेन्स सिंगल की बात कर रहे हैं कहाँ, इटालियन ओपन की, बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच होगा, लोकोविच नहीं जोकोविच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है, 276 नरेंद्र मोदी, हमारे जानते हैं जो लोग मेरे पीडीएफ से जुड़े हैं मैं उनको प्रोवाइड किया था, और ये क्वेश्चंस को मैंने अलग से फॉर्म करके आपका फोटो आपका स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेजा था एक क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पता होगा यदि ध्यान से पढ़ोगे, जो 250 पेज का दिया था, ध्यान आया आपका, 250 पेजेज का जो आपका पूरा था जीए प्लस करंट अफेयर रिवीजन जो था पीडीएफ दिया था, उसी में था यार किस भारत में किस भारतीय को मिला था आईजी नोबेल पुरस्कार 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन बने यहाँ के नए अध्यक्ष, आपको हो जाएगा सी अनिल थस्माना। अगला क्वेश्चन 278 का डी हो जाएगा आपका सीमांचल दास, क्या है आपका IMF के कार्यकारी निदेशक द्वारा नया सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, कौन, सीमांचल दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है, जॉन टर्नर कहाँ के थे प्रधानमंत्री, जॉन टर्नर थे आपके कनाडा के। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, आपका हो जाएगा 280 को बी 21 सितंबर को। अगला है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया है, मृत्यु हो गई, आपको जगह 281 ए अमेरिका की थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन को 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है, तब आपको जाएगा 282 बी उदित सिंगल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्मी सिटी बनाने का ऐलान किया है, किसे, हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है कि किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है, हैप्पीनेस म्यूजियम आपका हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, तो आपको जाएगा 85 का सी क्या, गुजरात। नेक्स्ट है कि 286 का क्या हो जाएगा आपका, कि किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड ऑफ 2020 दिया गया है, तो हो जाएगा आपका क्रिकेट विकास खन्ना को। नेक्स्ट है कि हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है, किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है, तो 287 का डी हो जाएगा हैदराबाद। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस को मनाया जाता है, बस वर्ल्ड बैम्बू को मनाया जाता है आपका, 288 को हो जाएगा आपका आंसर सी 18 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक के मानव पूंजी विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, आपको हो जाएगा यहाँ क्या, 289 का सी 116वां स्थान। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 290 ए 15 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। ठीक है, तो पेमेंट रहित घड़ी लॉन्च की है, बताइए, ये बताना है आपका, कौन सा है कंपनी आपका, SBI के साथ मिलकर। ठीक है, कौन सा कंपनी, टाइटन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कौन बनेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सी सचिन तेंदुलकर। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे, जो होगा 293 ए क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके जो जगह जी योशी हिदे सुगा, योशी हिदे सुगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अमेजन
एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। तब हो जाएगा अमिताभ बच्चन, कि आप लोग जानते होंगे बहुत ही चर्चा में विषय रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? 296 को जगह डी आदित्य पुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 297 का ए आपको हो जाएगा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे आप लोग जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 सितंबर को कई बार पूछ चुका है एग्जामों में। प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो जगह आपका इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष प्रत्येक साल 15 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है? किसके नाम पर? 299 का जगह बी छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? किस तौर पर नियुक्त किया आपका? हो जाएगा 300 का बी टेको कोनिसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में? तो जाएगा बी 48वां है, 48 नंबर का। हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? का हो जाएगा 3G2 का हो जाएगा डी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चंस 300, और एक 300 और लाऊंगा ताकि वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए। ठीक है, आपका जो सेकेंड आएगा उसमें पूरी तरीके से लास्ट हो जाएगा वीडियो, उसमें भी 300 प्लस ही रहेंगे जो भी रहेंगे, और देखना है जरूर है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय वाला सेशन चल रहा है, कल उसको ला देंगे क्योंकि गला बहुत सही नहीं इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं ला रहे, नहीं तो एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया होता अब तक। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, और कुछ नहीं करना है, बस रिविजन ही करना है, जितना मैं पीडीएफ दिया हूँ रिविजन करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।